गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रोमांस ड्रामा मूवी लाया हूं, जिसका नाम है मलीना। इस मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं, जिसका नाम मलीना है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मलीना एक छोटे से शहर में रहती है और वो इस शहर की सबसे खूबसूरत महिला है और इस शहर में रहने वाला हर आदमी उसे पसंद करते हैं और इस शहर का हर आदमी चाहता था कि मलीना उसका हो, लेकिन इस शहर की दूसरी औरतों ने उसे जालस महसूस करते हैं और मलीना जैसा बनना चाहते हैं। और हम देखते हैं इस शहर में रेनाटो नाम का एक लड़का है, उम्र में जो मलीना से बहुत छोटा है। और एक दिन रेनाटो ने नई साइकिल लेता है और वो अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तब उसके दोस्तों ने उससे बात करते समय कहते हैं कि हमने सुना है कि मलीना यहाँ से गुजरने वाली है और ये सभी लोग उसे देखना चाहते थे और इसलिए वो एक जगह बैठ जाते हैं। उसी समय मलीना वहाँ से गुजरने लगती है और ये लोग उसे देखते हैं। जब रेनाटो ने उसे पहली बार देखता है तो वो उसे देखता रहता है और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। जब मलीना वहाँ से आगे जाती है फिर ये लोग फिर से उसकी पीछा करने लगते हैं। जब तक मलीना शहर के अंदर नहीं पहुँची तब तक ये लोग उसकी पीछा करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मलीना के पिता एक टीचर हैं, वो अपने स्कूल में छात्रों को पढ़ा रहा था और ये लोग अपने क्लासरूम में बैठे हैं और ये लोग मलीना के बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं और ये लोग मलीना के पिता को परेशान भी कर रहे होते हैं। क्लास होने के बाद रेनाटो ने मलीना के घर के पास जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और मलीना ने घर पर उदास पड़ी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना के पति युद्ध के दौरान सेना के साथ गए हैं और अब तक वो वापस नहीं आया है। दूसरी तरफ हम रेनाटो और उसके दोस्त को देखते हैं जो मलीना की बात कर रहे हैं। रेनाटो का दोस्त उसे बताता है, एक बार मलीना ने उसे सिगरेट का लाने के लिए मुझे बोली थी और शहर के बाकी लोग भी कहते थे मलीना अच्छी औरत नहीं है और मलीना को लेकर सोसाइटी में तरह तरह की बातें फैलाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं वो रेनाटो ने मलीना को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया है। रेनाटो ये बातें कई लोगों से सुनता है, वो मलीना एक अच्छी महिला नहीं है और सभी से खुलकर बात करता है। अब धीरे धीरे रेनाटो भी मलीना के बारे में कल्पना करने लगता है और अब वो उसके साथ मलीना के बारे में सोचने लगता है। अब रेनाटो एक बड़े की तरह जीना चाहता था लेकिन हकीकत में वो एक बच्चा था। एक बार रेनाटो ने अपने पिता का पंत काटा और खुद पहन लिया क्योंकि उन्हें अपने शॉर्ट्स पहन पसंद नहीं है। इस बात को लेकर उनके पिता उनसे काफी नाराज हो जाते हैं और उसे पीटता है, लेकिन रेनाटो अभी भी नहीं सुधरा है और अब वो हर समय मलीना का पीछा करता रहता है और वो मलीना को उस गड्ढे से देखता था जो उसने बनाया था, जबकि मलीना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक ये खबर मलीना तक आती है, उनके पति युद्ध में शहीद हो चुके हैं। ये खबर सुनकर मलीना काफी परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि उसका पति युद्ध में शहीद हो गया है फिर उसका इंतजार करना खत्म हो जाती है और वो सोचने लगती है कि इस घर में अकेली क्या करना है। और उसके बाद वो अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है और एक दिन रेनाटो कहीं काम कर रहा होता है, तब वो लोगों को अलग अलग तरीकों से मलीना के बारे में बात करते हुए सुनता है। उसे ऐसा लगता है जैसे केवल वो जानता है मलीना के बारे में सच्चाई और अब मुझे सभी को बताना है कि मलीना एक बुरी महिला नहीं है और वो बस अपने पति से प्यार करती है। रेनाटो अब मलीना को अपने पिता के घर में भी देखना शुरू कर देता है और अब वो इसकी कल्पना करने लगता है जैसे मलीना ने उसे पा लिया है और वो मलीना से कहता है परेशान मत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो मलीना से अपने दिल की बात कहता है। इसके बाद हम देखते हैं रेनाटो चर्च जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है मलीना ऊपर भगवान का ख्याल रखना, इसके बजाय मैं हर दिन यहाँ मोमबत्तियाँ जलाऊंगा। और दूसरी तरफ हम मलीना के पिता को देखते हैं, उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है मलीना का अफेयर शहर में सबके साथ चल रहा है और तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अब मलीना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। और अब मलीना फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब रेनाटो को इसके बारे में पता चलता है कि मलीना ने फिर से अकेले रहना शुरू कर दिया है फिर वो फिर से उसके घर के बाहर आता है और उसे उसी छेद से देखना शुरू कर देता है। एक रात जब वो मलीना के घर जाता है तभी वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस अधिकारी है। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे उनका वास्तव में कोई अफेयर चल रहा हो। रेनाटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है मैंने उसे एक अच्छी महिला माना था और मैं दूसरों को ये बताने वाला था कि मलीना एक अच्छी महिला है, लेकिन वो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। तभी पुलिस अधिकारी घर से बाहर आता है और रेनाटो उससे छिपने लगता है। जब पुलिस अधिकारी बाहर आता है फिर उसे वहाँ एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर पुलिस अधिकारी को बताता है मलीना मुझसे शादी करने जा रही है
तो आप अंदर क्या कर रहे थे, और इसी को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। इसके बाद ये बात कस्बे में हर तरफ फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। अब मलीना काफी परेशान हो गई है। इसके बाद वो एक वकील के पास जाती है और वो उस वकील को बताती है, मुझे आपका हेल्प चाहिए, और बाद में वो उस केस को जीत जाता है और सभी को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। ये केस जीतने के बाद वही वकील मलीना को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए मलीना ने बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। और रेनाटो ने देखता है यह सब होता है और ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि उस शहर में दुश्मन हमला करते हैं और मलीना के पिता की हत्या कर दी गई है। जब मलीना को अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है, तब वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सकता था। और मलीना को पति की वजह से जो भी पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद कर दी गई, क्योंकि अब साबित हो गया था कि उसका पति अब मर चुका है। अब मलीना के पास पैसे खत्म हो रहे थे और मलीना काम के बारे में बहुत सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे यही काम करना चाहिए था। और थोड़ी देर बाद वो एक सिज़र लेती है और अपने बालों को काटना शुरू कर देती है और वो सोचती है, ये दुनिया मुझे एक बुरी औरत कहती है, तो अब मैं एक बुरी औरत बन गई हूँ। जब रेनाटो ये सब देखता है तो उसे बुरा लगता है और ये उसे बहुत परेशान करता है। और रेनाटो अब भी मलीना के दुख में खाना पीना सब बंद कर देता है। जब उसके पिता को इसके बारे में पता चलता है, फिर उसके पिता वही करते हैं जो रेनाटो चाहता था। उसके पिता रेनाटो को एक जगह ले जाते हैं जहाँ रेनाटो अपनी इच्छा पूरी कर सके। दूसरी ओर हम मलीना को देखते हैं जो अब एक बुरी औरत बन गई थी और अब शहर के हर आदमी उसके पास आए और इसके वजह से उन लोगों के पत्नियों को बहुत बुरा लगता था और वो बहुत गुस्से में है। मलीना को इतना पीटते हैं और शहर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मलीना के पति लौट आए हैं और वो जिंदा है, और मलीना के पति के बारे में किसी ने गलत खबर फैला दी थी। इसके बाद वो अपने घर जाता है, लेकिन वो देखता है मलीना कहीं नहीं दिखती है। उसके घर में कुछ और लोग रह रहे थे और वो सभी लोगों से मलीना के बारे में पूछता है और सब कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बुरी औरत बन गई थी और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, फिर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका समर्थन मत करो और ये लोग उसका अपमान करते हैं, और इन लोगों ने उसे पीटा और वहीं फेंक दिया। जब रेनाटो यह सब देखता है तो उसे बुरा लगता है। उसके बाद वो सोचता है, मलीना की हकीकत सिर्फ मैं ही जानता हूँ और अब मैं सभी को मलीना के बारे में बताऊंगा कि वो एक अच्छी महिला है। इसके बाद रेनाटो ने मलीना के पति को एक खत लिखा और उससे कहा, मलीना बुरी औरत नहीं है, जबकि गांव वालों ने उसे बुरी औरत बना दिया है। इन समाज के लोगों ने मलीना के बारे में बहुत बुरी बातें कही। इन बातों को सुनकर मलीना बहुत परेशान हो जाती थी। रेनाटो ने यह सब अपने पत्र में लिखा है और मलीना के पति को बताता है उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। जब मलीना के पति ने ये चिट्ठी पढ़ी तो यहाँ के लोगों पर उनका बहुत गुस्सा है। फिर वो मलीना को लेने वापस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए उसी शहर में वापस आता है। इसके बाद इस समाज के सभी लोग दोनों की ओर देखने लगते हैं, लेकिन अब सब उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि अब उसका पति उसके साथ था। इस शहर के सभी लोग फिर से मलीना का सम्मान करने लगे हैं और इन दोनों को एक साथ देखकर हर कोई खुश है। इसके बाद हम फिल्म के लास्ट सीन में देखते हैं, रेनाटो की मुलाकात मलीना से तब होती है जब कुछ चीजें मलीना के बैग से गिर जाती हैं। फिर रेनाटो इसे उठाता है और मलीना को देता है और उसकी मदद करता है। वो मलीना की कामना करता है, आपका भविष्य अच्छा हो, और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड होती है। तो ये थी मलीना की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।